सुप्रभात बच्चों, और ये है आपकी हिंदी की क्लास। और बच्चों, जैसा आपको पता है, अब कुछ दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आपको अब मैम रिवीजन वर्क करवाने वाली हैं। रिवीजन वर्क मतलब अभ्यास कार्य, और अभ्यास कार्य आपको आपकी नोटबुक, जो आपकी नोटबुक, जो आपकी हिंदी की कॉपी है ना, उसमें वर्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी हिंदी नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में वर्क करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको डेट मेंशन करनी है आपकी, और डे नेम सोमवार, ठीक है, यहाँ पर r.a. ठीक है। और ये रिवीजन वर्क है, इसका मतलब आप अभ्यास कार्य फर्स्ट, ठीक है, नोटबुक में पहला वर्क करने जा रहे हैं ना अभ्यास कार्य का, रिवीजन का, तो यहाँ पे अभ्यास कार्य वन लिखोगे। उसके बाद मम्मा से ये क्वेश्चन लिखवाओगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर वन, दिए गए बॉक्स में स्वर में पीला रंग व व्यंजन में नीला रंग भरिए। तो बच्चों देखो, नीचे एक बॉक्स, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, इसमें स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। तो जो स्वर हैं उनमें आपको पीला रंग करना है, और जो व्यंजन है उनमें आपको नीला रंग करना है। तो चलिए करते हैं। अ, अ स्वर है या व्यंजन? स्वर, तो आप इसमें कौन सा कलर करने जा रहे हो? पीला। अब नेक्स्ट देखो, अगला कौन सा वर्ण है? ये म, म दे बताओ आप, स्वर होता है या व्यंजन? व्यंजन, वेरी गुड। तो आपको म में क्या करना है? व्यंजनों में हमें नीला रंग करना है, तो म में अब हम क्या करेंगे? तो बच्चों, जैसे आपको अभी मैम ने दो करके दिखाया ना, दो वर्णों में, अब मैम ने आपको बताया कि स्वर में आपको पीला और व्यंजन में आपको नीला रंग करना है, ऐसे ही बाकी भी जो वर्ण है उनको आप देखोगे और किसमें पीला और किसमें नीला रंग होना है वो आप करोगे। चलिए मैम भी कर रही हैं और आप भी करिए। ई, ई क्या है? स्वर, तो इसमें हम कौन सा कलर करने जा रहे हैं, कौन सा रंग करेंगे? पीला। आप भी करिए। अगला वर्ण देखिए, क, क क्या है? व्यंजन, तो इसमें कौन सा रंग होगा? नीला। चलिए कर, अगला वर्ण देखिए, ओ, ओ स्वर है, तो इसमें कौन सा रंग होगा? पीला। चलिए करिए। ज, ज व्यंजन है, तो इसमें नीला रंग करिए। अगला वर्ण ए, ए क्या है? स्वर, तो इसमें कौन सा रंग होगा? पीला। अगला वर्ण देखिए, ग, ग क्या है? व्यंजन, तो इसमें करिए नीला रंग। अगला वर्ण देखिए, ये क्या है? आ, ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये भी स्वर है, तो इसमें आप करेंगे पीला रंग। अगला वर्ण देखिए, द, द व्यंजन होता है, तो इसमें कौन सा रंग होगा? नीला रंग। चलिए करते हैं नीला रंग। अगला वर्ण देखिए, उ, उ क्या होता है? स्वर, चलिए इसमें कौन सा कलर करना है हमें? पीला कलर। अगला वर्ण देखिए, न, न व्यंजन होता है, तो इसमें कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर, नीला रंग। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू रीड करिए, वर्णों को मिलाकर शब्द रचना कीजिए। बच्चों, हमने शब्द रचना पहले भी कर रखी है, ठीक है, इसमें भी हमें सिर्फ शब्द रचना करनी है। अब देखो, यहां पर आपको वर्ण देखना है कौन सा है और यहां पर कौन सा वर्ण है। जो आपका वर्ण यहां है उन वर्णों के साथ इस वर्ण को ऐड करना है, जोड़ना है, और यहां पर शब्द बना के लिखना है। जैसे ब, ल, कौन सा शब्द बन गया? ब, ल, बल, ठीक है, शब्द कहां लिखोगे आप? यहां पे। तो चलिए लिखिए आप यहां पर, देखिए, जैसे मैम ने ब, ल को जोड़कर बल शब्द बनाया है, वैसे ही अब अगले वर्ण के साथ ल को जोड़ना है। जोड़िए, ह, ल, हल, ठीक है, ह,
ल हल। चलिए लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, फ ल फल, फ ल फल। चलिए लिखेंगे, अब आपको भी मैम की तरह ऐसे शब्द रचना करनी है, ठीक है। तो बच्चों हमारा अभ्यास कार्य फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आपको भी मैम की तरह इसको नोटबुक में मम्मा की हेल्प से नोट डाउन करना है, फिर इसको करना है, ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस को करना है। बाय बच्चों, टेक केयर।